नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले कई दिनों से एक सीरीज एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर्स की चला रहे हैं, उसमें हिंदी का पेपर की भी सीरीज है और अन्य पेपर जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और बायो वगैरह की भी है। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए हिंदी का पेपर जो कि पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया था, उसका एक पेपर देखे। समय न लेते हुए देखते हैं हम पिछले साल एक एसएससी जीडी की किसी पॉली में आए हुए हिंदी के पेपर में जो पहला प्रश्न था कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अक्षर जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, उसे इस ढंग से लिखना चाहिए तो यही अशुद्ध होगा। तो देख लीजिए, अक्षर नहीं पढ़ा था तो माने यहाँ पर ये अशुद्ध। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर उसी में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उन्होंने अफवाह फैलाई, शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। तो देख रहे हैं कि इसमें दूसरा वाला वाक्य बोलने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो यही अशुद्ध है, शर्मा जी बुलाए हैं, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जेठ की गर्मी खाली स्थान जैसी होती है। तो निश्चित है जेठ की गर्मी माने जब भयंकर गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना, तो निश्चित है वो अंधकार जैसी, ठंडी सर्दी जैसी तो नहीं होगी, अंगार बरसने जैसी होगी। अंगार माने जो आग का अंगारा होता है, जितना गर्म वैसे ही एक उपमा देते हैं हम। इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? देखिए यहीं पर गलत है, आलस्यता नहीं होना चाहिए, आलस्य होना चाहिए। तो देखें इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये पहला उत्तर ही सही है। बाकी में देखिए इतना आलस्यता नहीं है ठीक, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, वही वाक्य आ गया है, इतनी आलस्य नहीं है ठीक। मानिए ये तीनों वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध रूप यह है इतना आलस्य ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया जाता है उसे आहूत कहते हैं और जिसे न बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, ठीक है ना। गया हो अमानत माने जैसे हम किसी के पास अपनी कोई चीज विश्वास के अंतर्गत रख देते हैं तो अमानत कहलाती है, या हमारे पास हो। अगवानी माने स्वागत करना, तो अनाहूत माने जिसे बुलाया न गया हो। अगला प्रश्न है वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य आए था होगा? तो घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, ये तो वाक्य ही अशुद्ध है। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, ये भी अशुद्ध है। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे, ये भी अशुद्ध है। एक ही वाक्य शुद्ध बच रहा है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, इसमें ये सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य वगैरह में कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं किया गया है, तो माने यही शुद्ध है। निर्धन बालिका भूख से खाली स्थान थी, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। अकलान, आतुर, आकुल, व्याकुल। तो अकलान तो ये शब्द ही गलत है, हलाकान हम प्रायः बोलते हैं तो नहीं होगा। आतुर माने उत्सुक होता है, आकुल माने बेचैन, व्याकुल माने व्यथा से बेचैन जो हो, तो व्याकुल इसका सही उत्तर है, निर्धन बालिका भूख से व्याकुल। अगला प्रश्न है, कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पिपासा, बभुच्छा, लिप्सा, प्रतीक्षा। निश्चित रूप से लिप्सा माने होता है लालच, कुछ लाभ पाने की क्या होगी, लालच ही होगी, उसे हम लिप्सा कहेंगे। जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? रक्षक से प्रत्यागत, ये नहीं प्रहरी, ये तो सभी जानते हैं, आपने जेल प्रहरी वगैरह कैसे पेपर भरे होंगे, तो प्रहरी से ही मतलब होता है जो पहरा देना। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वह बिना कारण ही खाली स्थान है, मक्खी मारता है, भूत सवार होता है, बाल बाल बचता है। बोलते ना तुम ये जब देखो मुंह फुला लेते हो, बिना मतलब के मुंह फुला लेते हो, तो मुंह फुला लेता है, वह बिना कारण ही मुंह
लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि शुद्ध है ना? सुमन के अनुसार शत्रुत्व, देखिए गलत हो गया। सुमन के अनुसार शत्रुपण, गलत हो गया। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, माने ये भी गलत है। तो ये वाक्य सही है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय माने जिसकी प्रशंसा किए जाने की जाए, अब जो प्रशंसा के योग्य हो, तो उसका उल्टा निंदनीय ही होगा, बुराई करने योग्य। अभिनंदनीय, स्तुत्य और अनिंदनीय का मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसनीय ही होता है, तो वो तो पर्यायवाची हो जाएंगे। विलोम पूछ रहे हैं तो विलोम होगा निंदनीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पत्र, पत्र नहीं है, पत्र माने लेटर, उर्दू में खत बोलते हैं, तो चिट्ठी है, पत्रिका भी है, पत्ता भी है, पाती भी बोलते हैं देशज भाषा में। मुख्य जो है, मुख्य का मतलब होता है हेड, ये पत्र का विलोम अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, रेखांक दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रेखांकित शब्द है बच्चा, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते, तो बाल इसका पर्यायवाची है, बालक इसका पर्यायवाची है, शिशु इसका पर्यायवाची है, वायु इसका तो मतलब हवा होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है ना? अंक, दोस्त, कबूतर और परिवार। तो इसमें मित्रों अंक होगा अनेकार्थी वह शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हों, है ना? जैसे हार, हार का मतलब होता है गले में पहनाने जाने वाला हार और एक जीत का अपोजिट हार। ऐसे ही अंक, अंक का मतलब होता है नंबर और अंक माने गोद भी होता है, ठीक है ना? माँ ने बच्चे को अपने अंक में भर लिया, अंक तो ये अनेकार्थी शब्द है। और हर पेपर के अंत में जैसे एक गद्यांश होता है जिसमें खाली स्थान होते हैं, उसे हम भरते हैं विकल्प माध्यम, तो आज भी है, देखते हैं। हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर चार ऑप्शन है, आधार कार्ड, परीक्षा, पैसे, रिश्वत देनी पड़ती है। हर जगह पर होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, आधार कार्ड, रिश्वत वगैरह नहीं। परीक्षाओं की दूसरा विकल्प आ गया, परीक्षाओं की मामला, मनसा, धारणा, अभिप्राय। परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है, तीसरा विकल्प सही होगा। जीवन के लगभग तीसरा आ गया है ना, जीवन के लगभग तीसरे में प्राथमिक क्षेत्र, हर क्षेत्र, अपने क्षेत्र, कुछ क्षेत्र, तो हर क्षेत्र में। पहले में हमने क्या पढ़ा था? हम सभी कुछ दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर परीक्षा देनी होती है, और परीक्षाओं की धारणा भरा था हमने यहाँ पर, है ना? और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौलिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी खाली स्थान आगे देखते हैं। हम लोग अच्छी नौकरी, घर, परिवार, गाड़ी पाने के लिए तो परीक्षा, हम ये पढ़ क्यों रहे, पढ़ा क्यों रहे, उसका वो तो उद्देश्य है नौकरी पाना, है ना? तो नौकरी पाने के लिए परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की खाली स्थान आ गया फिर से। परीक्षाओं की सुगमता, कठिनता, सरलता, सहजता, ठीक है ना, स्तर भी बढ़ जाता है। तो क्या बढ़ जाता है? सुगमता का स्तर बढ़ जाता है कि स्तर बढ़ जाता है कि सरलता का स्तर बढ़ जाता है कि सहजता का स्तर बढ़ जाता है, कठिनता का बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है कठिन परीक्षाएं होती जाती हैं, है ना? और एक बार हम इसको फिर से भर लें, हम सभी इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में तरह था ना, हर क्षेत्र में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी नौकरी, है ना, यही भरा था ना, नौकरी पाने के लिए की परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये गद्यांश पूरा हुआ, और
सारे हमने विकल्पों को सहारा लेकर के खाली स्थानों को भरा और ये पेपर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, और हमारी कमियां क्या हैं वो भी बताएं, और आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं और कौन से डाउट्स हैं वो भी बताएं। जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।